हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्रिल और बॉलीवुड की ताजा तरीन मसालेदार खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मेघा। तो चलिए जल्दी से डाल लेते हैं बॉलीवुड की टॉप 10 खबरों पर एक नजर। करण जौहर ने अपनी अपकमिंग मल्टी स्टारर फिल्म को लेकर प्लानिंग पूरी कर ली है। खबरों के अनुसार करण अपनी पीरियड ड्रामा फिल्म तख्त की शूटिंग अगले साल फरवरी 2020 से शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म तख्त में करीना कपूर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, विकी कौशल, भूमि पेड़नेकर, जानवी कपूर और अनिल कपूर जैसे स्टार्स नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग के लिए करण जौहर ने 170 दिनों का स्केड्यूल तय किया है। इन दिनों रानू मंडल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गाने के बोल भूल गई हैं। रानू का ये वीडियो जबरदस्त ट्रेंड में है जिसमें वो हिमेश रेशमिया के साथ गाए अपने गाने पॉपुलर सॉन्ग तेरी मेरी कहानी के बोल ही भूल जाती हैं। ये वही गाना है जिसने रानू की किस्मत बदली है। इतना ही नहीं, वो वीडियो में खुद इस बात को कबूल रही है कि वो लिरिक्स भूल गई है। रानू का ये वीडियो काफी ट्रेंड हो रहा है। अमिताभ बच्चन फिलहाल मनाली में अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र के क्लाइमैक्स की शूटिंग में बिजी हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है। अमिताभ ने ट्वीट करते हुए लिखा, -3 डिग्री, प्रोटेक्टिव गेयर और काम को करने का सलीका। बिग बी ने इसके अलावा अपने ब्लॉग पर भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। बिग बॉस 11 की विजेता शिल्पा शिंदे के बाद अब बिग बॉस 13 के असीम रियाज सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहे हैं और असीम ने शिल्पा के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। असीम के हैशटैग अनस्टॉपेबल असीम ने ट्विटर पर 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट क्रॉस किए हैं। इससे पहले शिल्पा शिंदे के हैशटैग शिल्पा शिंदे को सोशल मीडिया पर खूब रिस्पॉन्स मिला था। बिग बॉस क्रिटिक 3 के नाम से चलने वाले ट्विटर हैंडल ने इसे ट्वीट किया है। शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि शाहरुख खान राजनिधि मोरू और कृष्णा डीके की बिग बजट कॉमिक एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म है जिसे राज और डीके के अनोखे हास्य ब्रांड के साथ बनाया जा रहा है। ये फिल्म अगले साल तक आ जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार खबरें आ रही हैं कि ये फिल्म शाहरुख खुद प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म भारत और विदेश की सबसे खूबसूरत जगहों पर शूट होगी। अनुपम खेर ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से एक पुराना फोटो शेयर किया है। ये फोटो यश चोपड़ा की फिल्म विजय के दौरान का है। इस फोटो में अनिल कपूर, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना और मीनाक्षी शाद्री समेत कई लोग नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर ने अपने इस पुराने फोटो को शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने 33 साल की उम्र का होने के बावजूद किस तरह हेमा मालिनी के पिता, राजेश खन्ना के ससुर और अनिल कपूर के दादा का किरदार निभाया था। अनुपम खेर के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खबर है कि बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता साजिद नाडियाडवाला, जो कि बड़े सितारों के साथ महंगी फिल्में बनाते आए हैं, आयुष्मान को अपने बैनर की फिल्म में देखना चाहते हैं। और खास बात यह भी है कि निर्देशन की बागडोर वो नितेश तिवारी के हाथों में सौंपेंगे। ऐसे में अब फैंस को इंतजार रहेगा फिल्म के अनाउंसमेंट का। करीना कपूर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची हैं और वहां की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं। गोल्डन टेंपल के सामने खड़ी करीना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। करीना इन तस्वीरों में ग्रे कलर के ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आ रही हैं और वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं। सलमान खान की अगली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग शुरू हो गई और इसके एक एक्शन सीन को फिल्माते वक्त रणदीप हुड्डा घायल हो गए। रणदीप के घायल होने के बाद उन्हें तुरंत कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये घटना 2 दिन पहले की और बताया जा रहा है कि रणदीप अब हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं। अक्षय कुमार और कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन स्टारर म्यूजिक वीडियो फिलहाल के सिंगर कंपोजर बी प्राक को अब तक 200 मिलियन व्यूज से ज्यादा मिल चुके हैं। हाल ही में अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए बी प्राक ने कहा कि वो काफी खुशनसीब हैं कि अक्षय सर ने अपना म्यूजिक वीडियो डेब्यू उनके साथ किया है। वो हमारी जिंदगी में भगवान की तरह आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।